हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दीपक कुमार है। आज के इस सेशन में हम मशीन लर्निंग के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। यह एक बिगनर सेशन है, तो हम किसी आसान तरीके से मशीन लर्निंग क्या होता है समझने की कोशिश करेंगे। मशीन्स आजकल बहुत सारे काम कर सकती हैं जो पहले केवल इंसान ही कर सकता था। आइए हम इस सेशन के कंटेंट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मशीन लर्निंग क्या होता है, फिर हम डिस्कस करेंगे ये कैसे काम करता है, कितने टाइप के मशीन लर्निंग होते हैं, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, रेनफोर्स्ड, कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स यूज होते हैं इसको बनाने के लिए, टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग डेटा के ऊपर हम डिस्कस करेंगे और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। वॉट इज मशीन लर्निंग? मशीन लर्निंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सब मेन्यू है। मशीन लर्निंग फोकसेस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट कैन वर्क ऑन डेटा एंड इम्प्रूव ऑन इट्स फंक्शनिंग। तो ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि खुद से अपने डेटा को इम्प्रूव कर सकता है और लर्न कर सकता है और उसे परफॉर्म कर सकता है। मैंने इसे हिंदी में भी यहाँ पे दिया है, यदि आप हिंदी में ही रीडिंग करना चाहते हैं तो आप इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं यहाँ पर। हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि ये काम कैसे करता है। सबसे पहले ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग के बारे में जानते हैं। यदि आपने कोई प्रोग्रामिंग पे काम किया है तो आपको पता होगा कि ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग कैसे वर्क करती है। कुछ डेटा होता है, एक प्रोग्राम लिखा हुआ होता है जो कि कंप्यूटर में फीड इन होता है और उसके बाद एक आउटपुट निकल के आता है। तो ये ट्रेडिशनल वर्किंग है जिसे हम वर्क करते रहते हैं। मशीन लर्निंग में क्या होता है? मशीन लर्निंग में सबसे पहले डेटा तो होता ही होता है, साथ में प्रोग्राम और आउटपुट भी हम फीड करते हैं कंप्यूटर में, और उसके बाद एक इवेल्युएटेड प्रोग्राम निकल के आता है जो कि मशीन लर्निंग कि सेट पे बना हुआ प्रोग्राम है और आपको एक डिजायर्ड आउटपुट देता है। तो इसमें एक डिफरेंस है कि हम आउटपुट भी वापस फीड कर रहे हैं जिससे कि मशीन्स लर्न कर सकती हैं। चार टाइप की मशीन लर्निंग्स होती हैं। सुपरवाइज लर्निंग, जिसमें कि आपका जो डिजायर्ड आउटपुट है वो ट्रेनिंग डेटा में इंक्लूडेड होता है। अनसुपरवाइज लर्निंग, जिसमें कि ट्रेनिंग डेटा इंक्लूड नहीं होता है डिजायर्ड आउटपुट में। सेमी सुपरवाइज लर्निंग, जो कि एक मिक्स पार्ट है इनका। और लास्ट में आता है रेनफोर्स लर्निंग, जिसमें कंटिन्यूअस इनपुट्स फीड होते रहते हैं डिजायर्ड आउटपुट को लेने के लिए। तो हम इसके डिटेल एग्जाम्पल के साथ इसको स्टडी करने वाले हैं। आप स्क्रीन में सॉफ्टवेयर्स की कुछ लिस्ट देख सकते हैं जो कि मशीन लर्निंग प्रोग्राम को बनाने के लिए यूज होते हैं। तो ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो इनमें से किसी का भी यूज किया जा सकता है। आइए अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग, मशीन लर्निंग होते क्या हैं और कैसे काम करता है। सबसे पहले हम सुपरवाइज लर्निंग पे आते हैं। यदि आप सुपरवाइज लर्निंग का डेटा देखेंगे तो जो डेटा सिस्टम में फीड होता है वो सेग्रीगेटेड और डिफाइंड होता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि एक रेड कलर का डेटा है जो कि एक पर्टिकुलर टाइप का डेटा है, फिर ये आप एक ब्लू कलर का डेटा देख रहे हैं और यहाँ पे आप ग्रीन कलर का डेटा देख रहे हैं। ये सब डिफाइंड डेटा है, ऑलरेडी सिस्टम को पता है ये कौन सा टाइप का डेटा है और ये फीड इन होता है और इससे डिजायर्ड आउटपुट निकलता है। अब हम आते हैं अनसुपरवाइज लर्निंग की तरफ। अनसुपरवाइज लर्निंग में जो डेटा फीड इन होता है उसका टाइप डिफाइंड नहीं होता है, सिस्टम को पता नहीं होता है ये कौन सा डेटा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सारा का सारा डेटा ब्लू कलर का है। अब सिस्टम को ये अंडरस्टैंड करना है ये कौन सा टाइप का डेटा है, उसे सेग्रीगेट करना है, कोऑर्डिनेट करना है और उसे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है। हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू स्टडी करने की कोशिश करेंगे। और सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग, ये दोनों का एक मिक्स कॉम्बिनेशन है जो कि एक पार्ट होता है। सबसे पहले हम सुपरवाइज लर्निंग को डिटेल में डिस्कस करते हैं। आप ये तीन टाइप का डेटा देख रहे हैं। ये क्लासिफाइड डेटा है ए बी एंड सी। इसमें हमने डिफाइन कर रखा है कि ए का मतलब एप्पल है, बी का मतलब बनाना है और सी का मतलब मैंगो है। और जैसे ही डेटा फीड इन होता है, यदि एप्पल का डेटा आ रहा है तो उसके हिसाब से इसका आगे फर्दर प्रोसेसिंग होती है। सिमिलरली बी और सी, बनाना एंड मैंगो। सेकेंड केस है अनसुपरवाइज लर्निंग का। इसमें आप देख सकते हैं सिस्टम को ये फीड इन नहीं किया हुआ है कि कौन सा टाइप का डेटा है। यदि आप ये एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट ब्लू कलर का डेटा आ रहा है। आप सिस्टम को ये समझना है कि ये कौन सा स्पीशीज हो सकता है, केवल इसमें एज का ग्राफिक्स आ रहा है। तो सिस्टम ये समझने की कोशिश करेगा कि ये जो पर्टिकुलर क्लस्टर ऑफ डेटा आ रहा है ये ह्यूमन हो सकता है, डॉग हो सकता है या टॉर्टोइज हो सकता है। सिस्टम ये समझने की कोशिश करेगा कि यस 10 से लेके 12 इयर्स के बीच का डेटा है तो ये डॉग्स का डेटा हो सकता है।
सिमिलरली एक दूसरा डेटा जो कि 70 to 80 ईयर्स का डेटा है वो ह्यूमन का डेटा हो सकता है, और जो लास्ट डेटा आप देख रहे हैं ये 150 ईयर्स के आसपास है, तो ये टॉर्टोइस का डेटा होता है। तो इस तरह से सिस्टम एनालाइज करने की कोशिश करेगा बिना इनपुट दिए हुए कि कौन सा डेटा है। तो इसको हम अनसुपरवाइज्ड लर्निंग बोलते हैं, रेनफोर्स्ड लर्निंग। इसमें आउटपुट कॉन्स्टेंटली फीड किया जाता है प्रोग्राम में, जिससे कि आप सिस्टम लर्न करके डिजायर्ड आउटपुट को अंडरस्टैंड कर सके। यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखते हैं, एक लॉइन का डेटा फीड हुआ सिस्टम में। आप सबसे पहले आउटपुट में सिस्टम ने बताया कि ये कैट है, बट उसे फीडबैक मिला कि नो इट इज रॉन्ग, ये गलत है। फिर सेकेंड आउटपुट में उसने बताया ये डॉग है, ये भी पता लगा कि ये गलत है। थर्ड केस में उसने बताया, आइडेंटिफाई किया कि ये लॉयन है। अब ये आप फीडबैक मिला उसको कि ये करेक्ट है डेटा, और ये डेटा वापस सिस्टम में फीड हो गया। तो इस तरह से कॉन्स्टेंट लर्निंग चल रही है, सिस्टम अपने आप को करेक्ट करता है आउटपुट के बेसिस पे, और मशीन की लर्निंग इम्प्रूव होती जाती है। मशीन लर्निंग का परफॉर्मेंस एल्गोरिदम्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। अच्छे लिखे हुए एल्गोरिदम्स एंश्योर करते हैं कि मशीन लर्निंग का सिस्टम अच्छे से चले। तो आप समझ सकते हैं कि सिस्टम के अंदर एल्गोरिदम्स ही सिस्टम को चेंज करते हैं, मशीन लर्निंग को इम्प्रूव कराते हैं, और एक डिजायर्ड आउटपुट आपको निकालने में हेल्प करते हैं। आइए हम कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं। वर्चुअल पर्सनल असिस्टेंस, आपने देखा होगा कि यदि आप किसी वेबसाइट पे या मोबाइल के थ्रू किसी कॉल सेंटर या कस्टमर केयर सेंटर को इंटरेक्ट करते हैं, तो उसमें से आपके पास या तो ऑटोमेटेड वॉइस आती है या फिर आंसर्स आते हैं। तो ये सब कुछ मशीन लर्निंग के थ्रू है। आपके क्वेश्चन के बेस पे एक डिजायर्ड आउटपुट निकल के आता है, और आपको बेस्ट पॉसिबल आंसर प्रोवाइड होता है। आपको ये लगता है कि कोई एक पर्सनल असिस्टेंट वहां पे बैठा है, बट एक्चुअली वो एक प्रोग्राम होता है या बॉट होता है जो कि ऑटोमेटिकली वर्क कर रहा है। प्रेडिक्शंस व्हाइल कम्यूटिंग, आपने देखा होगा यदि आप ट्रेवल कर रहे हैं और गूगल मैप यूज कर रहे हैं, तो आपको बहुत सारे प्रेडिक्शंस मिलते रहते हैं। उसमें आपको पता रहता है कि आगे की लाइन रेड कलर में हो गई है, इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, या फिर येलो कलर की हो गई है कि मीडियम ट्रैफिक है। तो ये कैसे वर्क करता है? ये सारा भी मशीन लर्निंग के प्रोग्राम के थ्रू वर्क करता है। बहुत सारी गाड़ियां आगे चल रही हैं, वो भी गूगल मैप यूज कर रही हैं, और सिस्टम उनसे कांस्टेंट इंफॉर्मेशन लेता रहता है उनकी स्पीड के बेसिस पे। यदि बहुत सारी गाड़ियां एक जगह पे स्ट्रक हैं, तो सिस्टम ये समझता है कि यहाँ पे एक बॉटलनेक है, और उसको वो रेड कलर का कर देता है, और सेम इंफॉर्मेशन आपके पास वापस पहुंचा देता है। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मशीन लर्निंग का। वीडियो सर्वेलेंस, आपने देखा होगा बहुत सारे कैमरास लगे होते हैं, और इनकी एक जगह पे सीसीटीवी मॉनिटरिंग होती रहती है, और कुछ पर्सन इसको मॉनिटर करते रहते हैं। अब आप ये समझने की कोशिश करें कि यदि 24 आवर्स का एक सर्वेलेंस हो रहा है, और किसी एक जगह पे यदि एक ऐसी सेटिंग है कि वहां पे कोई इंट्रूडर नहीं जाना चाहिए, तो इसको एक एज ए पर्सन मॉनिटर करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि उसे 24 आवर्स मॉनिटर करना पड़ेगा। बट सिस्टम इसे ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर सकता है, और उसी समय नोटिफिकेशन के फॉर्म में आपको इन्फॉर्म कर सकता है, और आप एक्शन ले सकते हैं। तो इसका मतलब है मशीन लर्निंग प्रोग्राम के थ्रू 24 आवर्स के डेटा में से स्पेसिफिक 2 या 3 मिनट का डेटा है, जो कि डिजायर्ड डेटा है आपका, उसको निकाल के आपके सामने प्रेजेंट कर सकता है नोटिफिकेशन के फॉर्म में। ईमेल स्पैम एंड मेलवेयर फिल्टरिंग, ये बहुत एग्जांपल कॉमन है, ये आपने देखा होगा। सिस्टम ऑटोमेटिकली बहुत सारी मेल्स को स्पैम में कन्वर्ट कर देता है, और यदि आप उसे बोलते हैं कि ये स्पैम नहीं है, तो अगली बार से उसको वो रिमेम्बर करता है और उसी हिसाब से प्रोसेस करता है। इमेज रिकॉग्निशन आजकल ये बहुत हैवीली यूज हो रहा है। आप कहीं पे भी जाते हैं, सिस्टम आपके फेस को पहचान के पहचान पाता है कि ये कौन सा पर्सन है। तो ये सब भी मशीन लर्निंग के प्रोग्राम्स के थ्रू है। सिस्टम में डेटा फीडेड है, और आपको डिजायर्ड आउटपुट निकाल के दे रहा है। सर्च इंजन रिजल्ट रिफाइनिंग, आपने देखा होगा गूगल में यदि कोई कुछ सर्च करने की कोशिश करते हैं, तो वहां पे एग्जाबाइट ऑफ डेटा में से वो आपका छोटा सा आंसर विद इन सेकेंड्स निकाल के दे देता है। और कई बार आप यदि कुछ गलत टाइप करते हैं, तो उसे ऑटो करेक्ट भी कर देता है। तो इसके अंदर सिस्टम के अंदर बहुत सारे एल्गोरिदम्स लिखे हुए हैं, जो कि उतना डेटा आपके पास प्रेजेंटेबल फॉर्म में इंस्टेंटली प्रेजेंट कर देते हैं। कैंसर सेल डिटेक्शन, मिलियंस ऑफ सेल्स में से कैंसर सेल्स को डिटेक्ट कर पाना एक प्रोग्राम के थ्रू, ये भी एक मशीन लर्निंग का ही पार्ट है।
और लास्ट में हम डिस्कस करते हैं क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन। तो सिस्टम्स ऐसे बन रहे हैं जो कि क्रेडिट कार्ड के डेटा को आइडेंटिफाई करके डिटेक्ट कर सकते हैं कि फ्रॉडियल ट्रांजेक्शन है या फिर सेफ ट्रांजेक्शन है। तो फ्रेंड्स, यह सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा। धन्यवाद।